नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार। और आप जिस तरीके से गत 4-5 दिनों से जिस तरीके से क्षेत्र में जो बारिश हो रही है उसको लेकर अब धीरे धीरे पहाड़ियों की सुंदरता भी बढ़ चुकी है। अब मैं जहां खड़ा हुआ हूं ये आप जरूर देखकर चौंक गए होंगे कि शायद ये कहां का ये दृश्य है। जी हाँ, मैं ये दृश्य आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये पड़ता है ग्राम पंचायत नारायणपुर में, कूल कुंड का दृश्य ये आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आप सीधी तरीके से ये देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, लगभग 4-5 दिनों से जो बारिश हुई है क्षेत्र में उसको लेकर झरने अब बहना शुरू हो गए हैं। झरने जो कि लोगों काफी वर्षों के बाद में ये देखने को मिला है कि आखिरकार झरने जो 4-5 दिनों की जो बारिश हुई है, काफी विंगम दृश्य ये आपको देखने को मिल सकता है। कुल कुंड जो कि इसको भूतिया महल या भूतिया स्थान भी इसको कहा जाता है, ऐसा ये बताते हैं। लगभग यहाँ पर काफी समय के बाद में हम यहाँ पहुंचे हैं और शायद पहली बार ऐसा दृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहा है। शायद हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, हालांकि बारिश है वो पूर्ण रूप से इस समय रुक चुकी है। पहाड़ों में पानी कभी भी अधिक आ सकता है क्योंकि ये बहाव क्षेत्र है, इसका कोई पता नहीं है। हालांकि हम इन चीजों से आपको भी कहना चाहेंगे कि आप भी इस तरीके के नाले झरने वगैरह में ना जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। आज बिंटू कुमार जी के सहयोगी के रूप में यहाँ आया हूँ और ये जगह आपको हम दिखाते हैं। इस वक्त हम कुलका कुंड आए हुए हैं और ये बारिश के बाद का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। झरना करकल ध्वनि के साथ लगातार बह रहा है और मेरे पीछे व्यू में आप वो देख सकते हैं ऐतिहासिक महल, जिसके साथ नारायणपुर गांव का इतिहास जुड़ा हुआ है। और हमारा आज का मुख्य उद्देश्य घूमने का ये था कि आप सबको ऐसी जगह से रूबरू कराएं जिस जगह पहुंच पाना हर आदमी के लिए संभव नहीं होता, या तो उसके पास समय नहीं होता या कुछ विकट रास्ते हैं। यहाँ आज से लगभग 20 सालों पहले हम यहाँ आए थे, तब रास्ता एकदम चौड़ा हुआ करता था, बिल्कुल संकरा रास्ता है जिसके जरिए हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में जो हमने व्यू देखा वो बहुत ही खूबसूरत है। आज आप देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का और मेरे को लगता है ये काफ़ी सालों बाद ऐसा हो रहा है। और मुझे यहाँ के इतिहास के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज तो नहीं है, बाकी इसको जैसे भानगढ़ के बाद अपने लोकल में दूसरा भूतिया महल कहा जाता है, यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों से हम सुनते हैं कि ये भूतिया महल है। बहरहाल हम इस चीज़ की पुष्टि तो नहीं करते, बाकी कुछ कहानियाँ हैं वो काल्पनिक हैं या उनमें सत्यता है ये एक अलग बात है। बाकी हम ढूंढते हैं कोई ना कोई यहाँ हमें ऐसा व्यक्ति मिले जो इसके बारे में हमें जानकारी दे सके, इस महल के बारे में, यहाँ मंदिर के बारे में और यहाँ कुंड के बारे में। आते वक्त हमने जो जानकारी ली थी वो कुंड में अभी तक पानी नहीं आया, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि शायद अंदर से उसमें पानी के सोर्स रुक गए हों। बाकी अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि बारिश का पानी किसी भी माध्यम से उन कुंड तक पहुँचे। और हम आए तो यहाँ काफ़ी युवा थे जो मंदिर में जलधारा का कार्यक्रम आज आयोजित कर रहे हैं, बाकी इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और प्रकृति और गांव से जुड़े रहने के लिए आवश्यक है कि हम यहाँ आते रहें, हमारी धरोहर को संभालते रहें और जो नई पीढ़ी है उनको भी इन चीज़ों से आप अवगत कराएं।